मेरा नाम सुरभि उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्ड चार्ट के बारे में। तो मेरे साथ अभी विनोद कुमार सचान सर हैं, जिनसे कि मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ ऑर्ड चार्ट को लेके। तो सर, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं आज। सर, हमारे काफ़ी किसान जो हैं, यहाँ तक कि जो बुंदेलखंड रीजन के हमारे किसान हैं, वो ऑर्ड चार्ट की तरफ से ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन सर उनके साथ एक समस्या आ रही है। 4-5 साल बाद जब वो उस तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पौधे में कहीं फ्रूटिंग नहीं आ रही, अगर फूल आ रहा है तो वो जल्दी झड़ जा रहा है, तो सर बड़े परेशान हो जाते हैं। जब वो उस साइड जा भी रहे हैं, उसके बाद भी उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इसके पीछे सर आप कुछ बताएं। देखिए किसान भाई, और नमस्कार, ये विषय हमको प्रतिदिन, आज तो सुरभि ने बात किया, वैसे प्रतिदिन हमको कोई ना कोई देश का किसान इस संबंध में बात करता है। ऑर्चर्ड के बारे में क्या है कि जो किसान सामान्य खेती से ऊब चुका और जो चाहता कि मैं जरा ऑर्चर्ड की खेती पर जाऊं, तो उसको ख्याल आता है कि मैं ऑर्चर्ड लगाऊंगा 10 एकड़ में 5 एकड़ में 2 एकड़ में, और बड़े उत्साह और उमंग के साथ वो बगीचा लगाना चाहता है फलदार पेड़ों का। मिस्टेक क्या होती है, वो 3 मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, जो भी मेरी बात समझेगा उसको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अन्यथा ऑर्चर्ड का बगीचा आपने लगा लिया और लगाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम। नंबर एक कि पौधा जो प्लांट जो बगीचा आप लगा रहे हैं, नंबर एक वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जैसे कई बार आज की तारीख में बहुत सारे एग्रीप्रेन्योर्स, बहुत सारे फार्मर्स को कुछ ऐसे प्लांट सजेस्ट कर देते हैं जो उस क्लाइमेट के लिए सूट नहीं करते, और उनको लालच दिखाते हैं कि ये वाला खेती करने से आपको एक पेड़ के में इतनी आमदनी होगी। ये किसान अक्सर फेल होते हैं, क्योंकि वो प्लांट जो, वो ऑर्चर्ड जो आप लगा रहे हैं, वो आपकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। नंबर दो कि जब आप प्लांट कोई लगा रहे हैं, मान लो आपकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, अमरूद का लगा रहे हैं, आंवले का लगा रहे हैं, नींबू का लगा रहे हैं, किसी का लगा रहे हैं, उसका प्लांटिंग मटेरियल यानी जो पौधा लाने वाले हैं वो कहाँ से लाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ भी मैं बता दूँ, बहुत सारे नर्सरी वाले मतलब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने कहा साहब हमको आंवले की फला वैरायटी चाहिए, अमरूद की फला वैरायटी चाहिए, उन्होंने कहा साहब मेरे पास है, और वो टैग लगा के दे देते हैं आपको 500 पौधे लेने थे। कई बार तो कलमी होता ही नहीं, फर्जी कलम चढ़ा देते हैं और कहते हैं 5 साल 3 साल के बाद फ्रूटिंग आएगी। अब वो किसान वेट करता है, 5 साल तक फ्रूटिंग नहीं आ रही है जी सर। तो किसान भाई, जब प्लांटिंग मटेरियल क्रय करें ना, तो ध्यान रखें कि हमको कहाँ से लेना है, कौन सी नर्सरी उचित है, 4 जगह जरा तलाश करिए और उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल करें, जल्दबाजी मत करिए। तीसरा काम कि ये लॉन्ग टर्म योजना, जैसे आंवले का पेड़ है, अब ये लॉन्ग टर्म योजना का प्लांट है, हमको इससे 30-40 साल तक फ्रूटिंग लेनी है, तो हम इससे ढेर सारा फ्रूट्स प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे बाजार में आपने सुना है कि एक आंवले के पेड़ में कम से कम 70-80 किलो आंवला लगता है, ऐसा सोच करके आप लाए, ये 70-80 किलो आंवला या 50 किलो अमरूद या इतना किलो मौसम्मी कैसे मिलेगी? इस पौधे में जहाँ लगाया है, क्या वहाँ प्रॉपर गड्ढा किया है? तो फ्रूट्स प्लांट के लिए स्पेशली कम से कम 3 फुट गहरा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट नहीं, 3x3x3 यानी 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, ऐसा हमको गड्ढा बनाना है। और कब बनाना? अप्रैल मई जून के महीने, अप्रैल मई सबसे अच्छा। मिट्टी खोल के निकाल दीजिए और जैसे ही जून का महीना आता है, बारिश को संभावना होती है, तो उसके पहले उस गड्ढे को फिल कर दीजिए। जब फिल करेंगे तो आप ये समझिए, जितनी भी मिट्टी निकली थी, मिट्टी का जो 1 घन मीटर का वॉल्यूम था, तो कम से कम 0.3 घन मीटर यानी 1/3 आपको इसमें ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश खाद या गोबर की फार्मयार्ड मैनोर, कोई भी ऐसा बायोमास मिला के भरना है। क्यों? क्योंकि ये पौधा जब सेटल होगा तो प्रारंभ के दिनों में इसका रूट जोन का विस्तार ज़्यादा होगा, रूट ज़्यादा नीचे जाए, इसको ज़्यादा भोजन मिले, जब इसको भोजन मिलेगा तब ये प्रॉपर फलत देगा। तो ये 3 चीज़ें हमको किसान को याद रखनी है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट लगाए,
प्लांटिंग मटेरियल जो है अच्छा लाने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में ना जाए, सस्ता की कोशिश ना करें। जैसे किसी ने कहा कि साहब उस नर्सरी में इंडो इजराइल जर्मन का प्रोजेक्ट है, वहाँ वो पौधा जो है 70 रुपये का दे रहे हैं, बाज़ार में यही पौधा 20 रुपये का मिल रहा है, तो आप लालच में आ गए 500 पौधा लेना है और 10,000 रुपये की सेविंग है। ये जो लालच है ना 10,000 रुपये का, आज ये आपको लाखों का नुकसान करा कर। तो दूसरी बात, तीसरी बात, तीन बातें मैंने कहा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट हो, मतलब क्राप हो, और प्लांटिंग मटेरियल अच्छा हो, और प्रॉपर आप गड्ढा खोदिए। और कोई प्रश्न? सर मेरा एक सवाल और है, जैसे कि हिमाचल कश्मीर में अपने सेब के बाग हैं सर, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है सर, वहाँ के किसान बड़े परेशान हैं, तो इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दें। देखिए ये जो मैं तो प्राकृतिक खेती की अक्सर बात करता हूँ, जो भी किसान आर्चर्ड लगाए तो देखिएगा कि जब नेचुरल की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो अपने आर्चर्ड के आसपास जो बाउंड्री है, आंवला लगाएं, कटहल लगाएं, नींबू लगाएं, आम लगाएं, कोई भी फसल लगाएं, एक बात का ध्यान रखना, बाउंड्री पर, खेत की बाउंड्री पर आपके कौन कौन से पेड़ जरूरी हैं। एक पीपल का, एक बरगद का, एक गूलर का, एक पाकड़ का, एक नीम का, एक शीशम का, एक जामुन का, एक महुए का, एक अर्जुन का, इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल पेड़ हैं, जब ये लगाते हैं तो इन पेड़ों, ये पेड़ जो है ना बहुत सारी बर्ड्स के रहने का ठिकाना है, और ये अराउंड द ईयर 365 दिन चिड़ियों को भोजन देते हैं। पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी। दूसरा, खेत के चारों तरफ अगर आपकी ऐसे बड़े बड़े पेड़ों की बाड़ है, और मान लो राजस्थान का इलाका जहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो जो प्रोटेक्शन है ना, लोग गर्म थपेड़े लगते हैं प्लांट को, उससे प्रोटेक्शन भी देते हैं। अगला काम और करें कि शुरुआत के दिनों, जैसे ये आंवले का मेरा बाग है, उधर अमरूद का बाग है, इसके नीचे खेती करें। खेती में ध्यान रखें, खरीफ में धान नहीं लगाना, आर्चर्ड के किसी खेत में धान नहीं लगाना, रबी के सीजन में गेहूं नहीं लगाना, आर्चर्ड में ऐसी कोई क्राप नहीं लगानी है जिसको वाटर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आम के केस में स्पेशली बता दूं, अगर कोई किसान आम का बाग लगाया, उसमें रबी में गेहूं की खेती करता है, तो आप समझ लेना कि उसमें माल फार्मेशन, जिसको बंजर रोग कहते हैं, वो इतना भयानक समस्या बनेगा, और उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चूँकि ये सारे के सारे आम है, आंवला है, सेब है, नींबू है, करौंदा है, कि जितने भी पेड़ हैं, एक्सेप्ट केला, केले को आप कर सकते हो, लेकिन और कोई भी पेड़ रेगुलर पानी नहीं चाहिए, उसके रूट जेन में मॉइस्चर चाहिए, बट वो स्टैंडिंग पानी नहीं चाहता, और वहीं से उसको प्रॉब्लम आती है। वेजिटेबल की खेती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 365 दिन जो वेजिटेबल की खेती करता है, वहाँ निमेटोड्स की प्रॉब्लम पैदा होगी। कारण क्या है कि हमारी जो आज का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो टेक्नोलॉजी है, मैं उसको क्राप को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड डालता हूँ, और पेस्टिसाइड डालने की वजह से ही निगेटिव पैथोजिन नहीं मरते, ध्यान रखना आप। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, इस देश के किसी किसान ने मधुमक्खी को नहीं मारा, तितली को नहीं मारा, केंचुए को नहीं मारा, हमारे देश के किसानों ने जमीन के सफ़ेद गिडार को मारा, दीमक को मारा, और ऊपर क्राप में माहू को मारा, इल्ली को मारा, लेकिन इल्ली, माहू, सफ़ेद गिडार, दीमक आज भी है, मरा कौन? जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे। इसलिए पेस्टिसाइड बिल्कुल मत डालिए। और कोई प्रश्न? नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि चलिए।